हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टिप्सी बॉन्ग ट्रैवलर्स। मैं श्रेया, आई होप आप सब कोई अच्छे हैं। और ये एक फूड वीडियो है, जैसे आपको कैप्शन में पता चल गया है, ये मेरा दार्जिलिंग का फूड वीडियो है। जैसे मेरे इनिशियल यूट्यूब डेज में, मतलब मैं ज़्यादा पुरानी नहीं हो गई हूँ यूट्यूब में, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, फिर भी मेरे इनिशियल डेज में आप लोगों ने मेरे ये दार्जिलिंग फूड टूर को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। सो मैंने सोचा कि कुछ सालों बाद फिर से मैं दार्जिलिंग गई हूँ, मतलब आई हूँ अभी, जो जो जगह कवर की थी, मैं चाहती हूँ इस बार कि वही जगह मैं आपको दिखाऊँ। क्या वो जगह चेंज हो गई है क्वालिटी वाइज, बेटर या खराब, इस वीडियो में वैसा कुछ रहेगा। एंड साथ में जैसे मेरे पहले वीडियो में भी था, आप आई बटन में चेक कर सकते हैं, आपने बहुत प्यार दिया था, तो वैसे ही इस वीडियो में भी मैं कुछ अलग दार्जिलिंग में दिखाने के लिए कोशिश की हूँ। लोग तो बहुत सारे नामचीन जगह पे जाते हैं, वहाँ पे डाइन करते आ जाते हैं, पर इस बार मैं इस वीडियो में सब हिडन जेम्स यहाँ पे ढूंढ के निकाली हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ अननोन जगह दिखाऊंगी जहाँ पे खाने बहुत ही अच्छे हैं विद सम अमेजिंग व्यूज। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस फूड वीडियो को। मैं सीरियसली होप करूंगी वो जैसे मेरा पहला दार्जिलिंग का वीडियो को आपने प्यार दिया था, इस वीडियो को आप इक्वली वैसे पसंद करें। बहुत मेहनत की हूँ इस वीडियो पे, बहुत सारे रिसर्च करके यहाँ पे आई हूँ, आपको आई होप बहुत अच्छी लगेगी ये वीडियो। तो चलिए ज़्यादा ना बात करके आपको मैं दिखाती हूँ। फर्स्ट स्पॉट है इस फूड टूर में दार्जिलिंग की एक न्यूली ओपन्ड कैफे। ये मैल एरिया में लोकेटेड है, टू बी एग्जैक्ट नेहरू रोड। इसकी एंट्रेंस स्लाइटली ट्रिकी है, बट इस महाकाल एम्पोरियम के साइड वाले स्टेयरकेस से आपको जाना होता है। हिमालयन कॉफी जो स्टार्ट हुई थी इन द ईयर ऑफ 1999 एज द फर्स्ट स्पेशलिटी कॉफी इन नेपाल, अभी उनके लगभग 30 से भी ज्यादा आउटलेट है नेपाल में और इंडिया में। दिस कैफे स्पेशलाइजेस इन हैंडक्राफ्टेड कॉफी एंड बेकरी आइटम्स। बहुत ही सुंदर कैफे है, विच इज टक्ड अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द मॉल रोड एरिया। इनकी इंटीरियर एंड एम्बियंस इतनी अच्छी होगी, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट। बहुत ही कोजी कैफे है। ये बड़े ग्लास विंडो से आप मैल को देख सकते हैं और अपने कॉफी एंजॉय कर सकते हैं। इनके बेकरी आइटम्स हर रोज फ्रेशली बेक होते हैं, सो मैं फिलहाल कुछ बेकरी गुड्स ट्राई करूंगी जो मैं रिव्यू से पता की हूँ कि इनके बेकरी गुड्स बहुत ही अच्छे हैं। ये रहा मेन्यू, काइंडली पॉज करके सही से देख लीजिएगा। ये मेन्यू में आपको ब्रेकफास्ट, सैंडविच, बर्गर्स, पैनकेक्स, केक्स, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के कॉफ़ी, चाय, आइस टी, स्मूदीज जैसी चीज़ें मिल जाएगी। प्राइसिंग भी मुझे सही लगी। पहले ऑर्डर की हूँ उनका फेमस हॉट चॉकलेट जो व्हिप क्रीम और चॉकलेट सॉस से ऊपर गार्निश्ड है। सुपर यमी एंड विंटर के टाइम में हॉट चॉकलेट इज जस्ट व्हाट यू नीड टू प्लीज योर सोल। सेकंड हमने ऑर्डर किया है उनका ब्लू टी, विच आई वाज वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस। ये एक मस्ट ट्राई ड्रिंक है हिमालयन कॉफी में। इस चाय की कलर चेंज हो जाती है जब आप लेमन स्क्वीज करते हो। ब्लू टी एक हर्बल टी होती है। टेस्ट में मुझे ये अर्थी एंड वुडी फ्लेवर्स में लगी, काइंड ऑफ ग्रीन टी जैसी लगी। और दार्जिलिंग टी इज अ मस्ट व्हेन यू आर इन दार्जिलिंग। हमने यहाँ फूड नहीं लेकर रैदर उनके फेमस बेकरी गुड्स ट्राई किए जो बहुत ही अच्छे हैं। मुझे इनके वॉलनट ब्राउनी एंड ब्लूबेरी चीज केक बहुत ही अच्छी लगी। ये कैफे आप जरूर ट्राई करें, इट्स अ गुड लुकिंग कैफे विथ अफोर्डेबल प्राइसिंग।
चलिए लेट मी हैव माई चीज केक और आप देखिए आगे का फूड टूर। सेकेंड स्पॉट है कैफे हाउस, लोकेशन हर्मिटेज रोड राजभवन के पास में ही है ये, या फिर आप महाकाल मंदिर के रास्ते से भी यहाँ पे आ सकते हैं। ये कैफे दार्जिलिंग की न्यूएस्ट कैफे एडिशन है बाय टेक्नो इंडिया ग्रुप। बहुत ही सुंदर लोकेशन में ये कैफे हाउस बनाई गई है, मैल के हसल बसल से थोड़ी सी दूर में। कॉफी हाउस कोलकाता से इंस्पायर्ड होके कैफे हाउस बनाई गई है। इवन दिस प्लेस वॉज इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्रीमती ममता बनर्जी। ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहाँ से आप कम्प्लीट आइस पीक ऑफ कंचनजंगा को देख सकते हैं ऑन ए क्लियर डे। ये कैफे की इंटीरियर व्हाइट थीम में की गई है जस्ट टू मैच द न्यू कॉफी हाउस ऑफ न्यू टाउन। डेकोर काफी क्लासी एंड शीक है। दिस इज एब्सोल्युटली एन इंस्टाग्राम वर्दी कैफे। यहाँ एक छोटी सी नुक है जहाँ से आप कई सारे बंगाली नॉवेल्स बुक्स देख सकते हैं एंड इस व्यू के साथ चाय की चुस्की लेते हुए रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ एक डिसेंट बेकरी भी है बट आई डोंट नो यहाँ इन हाउस बेकरी है या नहीं। ये कैफे एक्चुअली द रिट्रीट होटल की रूफ टॉप में बनाई गई है। हमने जिंजर हनी लेमन टी और जैस्मिन टी ऑर्डर किया है। जैस्मिन टी अच्छी थी बट मुझे जिंजर हनी लेमन टी थोड़ी ज्यादा मीठी लगी। नेक्स्ट खाने में हमने कुछ लाइट ऑर्डर किया है जैसे चिली चीज गार्लिक टोस्ट और बहुत ही यमी थी, कोई भी कंप्लेंट नहीं है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आपको ये कैफे ट्राई करने जरूर कहूंगी बिकॉज ऑफ द एम्बियंस एंड दिस परफेक्ट व्यू। थर्ड स्पॉट है मचान टी बार, लोकेशन गांधी रोड। इसकी लोकेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, वो स्ट्रेट देख रहे हैं ना वो है क्लॉक टावर, वहाँ से स्ट्रेट आपको नीचे आना होता है। होटल शिवम एनेक्स के टॉप फ्लोर में है ये कैफे। ये एक हिडन जिम कैफे है, बिकॉज ऑफ दिस ब्रेथ टेकिंग व्यू मोस्टली यहाँ लोकल्स आते हैं, टूरिस्ट बहुत ही कम आते हैं। इस जगह के बारे में बहुतों को पता भी नहीं है। सिंपल है ये जगह, बहुत ही सुंदर है इसकी इंटीरियर सेटअप। ऑन अ क्लियर डे आपको यहाँ से कंचनजंगा की बहुत अच्छी व्यू मिलेगी। सबसे मजेदार बात मुझे इस जगह के बारे में लगी, जस्ट बिकॉज ये टूरिस्टी कैफे नहीं है सो आपको यहाँ पे घंटों तक क्यू में खड़े होके इस जगह की सीट लेने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करनी होती है। आप सिंपली आके इस जगह को एंजॉय कर सकते हैं। इस कैफे की दो सेक्शन है, ये कैफे अपने लोकेशन के लिए बहुत अननोन है बट सीरियसली वर्थ इट है यहाँ आना। जस्ट लुक एट द व्यू गाइज, मुझे पर्सनली यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आई मुझे ये एम्बियंस एंड वाइब। ये रहा मेन्यू, काइंडली पॉज करके सही से देख लीजिएगा। अगर आपको हमारी फर्स्ट दार्जिलिंग की फूड टूर देखनी है तो इस आई बटन में जरूर क्लिक करें। मैं आपको जरूर ये रिकमेंड करूंगी जगह, मुझे यहाँ की एक्सपीरियंस बहुत अच्छी लगी। आप जरूर आइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये जगह कैसा लगा। ठंडी के मौसम में दार्जिलिंग में दार्जिलिंग टी छोड़ के कोई ऑप्शन दिखता ही नहीं है मुझे, और इस व्यू के साथ और भी मेमोरेबल हो जाती है मेरी ये ट्रिप। फूड में हमने बफेलो चिकन विंग्स ऑर्डर किया है एंड आई रियली लव इट, मजा आ गया। ये विंग्स बहुत ही अच्छी थी, फ्लेवर वाइज बहुत ही टेस्टी थी। फोर्थ स्पॉट है इस लिस्ट में डेकेवास। कुंगा के बारे में तो सब जानते हैं, इवन मैं मेरी पहले वाले वीडियो में भी कुंगा को कवर की थी और अप्रिशिएट भी की थी। बट क्या आपको पता है कुंगा के जस्ट बगल में ये है एक छोटी सी रेस्टोरेंट, और ये रेस्टोरेंट इक्वली अच्छी है। इंटीरियर और स्पेस वाइज एग्जैक्टली कुंगा जैसी ही है। ऑलवेज ये जगह क्राउड से भरी रहती है, यहाँ पे चाइनीज कोरियन टिबेटियन कुजीन मोस्टली मिलती है। मुझे इस छोटी सी रेस्टोरेंट की वाइब बहुत अच्छी लगी,
इवन यहाँ के स्टाफ बहुत ही फ्रेंडली एंड पोलाइट है। ये रहा मेन्यू, काइंडली आप पॉज करके देख लीजिएगा। फॉर मोर सोशल मीडिया अपडेट्स यू कैन फॉलो अस इनटू इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज टिप्सी बॉन्ग ट्रैवलर्स। हमने पहले चिकन शैप्ता ऑर्डर किया है, इसको टिबेटियन बन के साथ खाना होता है पर हम लोग ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं और मुझे स्पेशली ये चिकन शैप्ता बहुत ही अच्छी लगी, एक स्मोकी फ्लेवर है। नेक्स्ट हमने ऑर्डर किया है ड्रैगन चिकन बाओ एंड ये बाओ बहुत ही अच्छी है, एक्चुअली ये बाओ नहीं वाओ है, मेरे टेस्ट बड्स क्लाउड 9 में है अभी। नेक्स्ट ऑर्डर हमने किया है एग चिकन फ्राइड राइस एंड एग चिकन नूडल्स और साथ में हमने गार्लिक चिकन भी ऑर्डर किया है। ऑल इन ऑल सभी डिशेस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही टेस्टी है, डेफिनेटली मैं आपको ये जगह रेकमेंड करूंगी। फिफ्थ स्पॉट है काठमांडू किचन, लोकेशन HD लामा रोड। ये जगह एक हिडन जेम है। इफ यू आर बोर्ड विद द टिपिकल फूड ऑप्शंस ऑफ दार्जिलिंग, ये ऑफबीट छोटी सी रेस्टोरेंट आपको जरूर आनी चाहिए। यहाँ पे आपको मिलेगी ऑथेंटिक नेपाली कुजीन, नेपाली फूड इंक्लूडिंग नेवारी डिश। नेवार जो एक एथनिक ग्रुप है काठमांडू वैली की, उनके एक डिस्टिंक्टिव फ्लेवर्स होती है उनके कुजीन में, आपको ये यहाँ पे ट्राई करने को मिलेगी। ये जगह टिपिकल टूरिस्टी नहीं है, इसीलिए इट्स बेटर टू आस्क द लोकेशन फ्रॉम अ लोकल। मुझे इस रेस्टोरेंट के वाइब एंड इंटीरियर्स बहुत अच्छी लगी, ट्रेडिशनल नेपाली किचन जैसी है। ये रहा उनका लॉन्ग एलैबोरेट मेन्यू, काइंडली पॉज करके सही से देख लीजिएगा। मेन्यू में इनके स्पेशल थाली बहुत ही फेमस है, सो हमने पहले एक प्लेट मोमो ऑर्डर किया है जो चटनी और सूप के साथ सर्व हुई है। मोमो मुझे एवरेज लगी, फ्लेवर वाइज इवन आउटर कोटिंग भी थोड़ी थिक लगी मुझे इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस जो दार्जिलिंग में यहाँ पे मोमो मिलती है। नेक्स्ट ऑर्डर हमने किया एक स्टार्टर जो है चिकन सेकुआ, ये एक कबाब जैसी डिश है, टेस्ट वाइज मुझे बहुत अच्छी लगी, आप जरूर इसे ट्राई कीजिएगा, मैं आपको हाईली ये रेकमेंड करूंगी। नेक्स्ट फाइनली हमने लिया देसी चिकन थाली जिसमें सैलड, अचार, सब्जी, साग, दाल, देसी चिकन करी, पापड़ जैसी चीज रहती है। ये एक टिपिकल ऑथेंटिक नेपाली थाली है एंड बहुत ही टेस्टी एंड सटल फ्लेवर में होती है, आई एम श्योर आपको ये पसंद आएगी। काठमांडू किचन एक हिडन जेम है, इस जगह को आप जरूर ट्राई करें और इसका एक्सपीरियंस मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। सिक्स स्पॉट है नॉमनॉम बेकरी एंड कोरियन कैफे, लोकेशन सुमी स्क्वायर मॉल जो JP शर्मा रोड में है। रीसेंट टाइम में दार्जिलिंग गेन इट्स इंटरेस्ट इन कोरियन कुजीन, लगभग अभी हर एक रेस्टोरेंट में आपको कोरियन डिशेस मिल जाएगी क्योंकि यहाँ के लोकल बहुत प्रेफर करते हैं कोरियन खाना। ये एक प्रिटी लुकिंग कैफे है एंड अगेन ये कैफे इज अननोन टू द टूरिस्ट। मुझे इस कैफे की इंटीरियर बहुत ही अमेजिंग लगी, ये वाइट पिंक थीम सेटअप एक टिपिकल कोरियन वाइब देती है। यहाँ से आपको बहुत अच्छी व्यू मिलेगी बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी इवनिंग टाइम में आए हैं तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। ये एक प्रिटी लुकिंग कैफे है जो एब्सोल्युटली एक इंस्टा वर्दी प्लेस है, इवन आप हमारे इंस्टा हैंडल को भी चेक कर सकते हैं ऐसे अपडेट्स के लिए @TipsyBongTravelers। इनकी इन हाउस बेकरी है एंड इन कंपैरिजन टू अदर फेमस बेकरीज ऑफ दार्जिलिंग इनके प्राइस और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे हैं।
जैसे कि आप देख सकते हो पेस्ट्रीज, केक्स, बहुत सारी ऑप्शंस है यहाँ पे, डोनट्स, मैक्रोन्स, बहुत कुछ। एंड ऑल ऑफ दिस आर फ्रेशली बेक्ड एवरी डे। ये देखकर और भूख बढ़ गई है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेम्प्टिंग है। ये रहा मेन्यू कार्ड, काइंडली पॉज करके सही से देख लीजिएगा आइटम्स के प्राइस एंड आइटम्स के नाम। हमने पहले ऑर्डर किया है कोरियन चिकन किम्बाब। ये कोरियन काइंड ऑफ सुशी है। मुझे पर्सनली किम्बाब अच्छी लगती है एंड यहाँ के किम्बाब भी बहुत अच्छे थे, टेस्टी थे और फ्लेवर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। आई रियली लाइक्ड इट। सेकेंड ऑर्डर हमारा है द फेमस कोरियन कॉर्नडॉग। सभी को पता है कॉर्नडॉग क्या है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सॉसेज एंड चीज को बैटर्ड फ्राई किया जाता है एक स्टिक में, उसे कॉर्नडॉग कहते हैं। और यहाँ की कॉर्नडॉग बहुत ही अच्छी थी, चीज सॉसेज का प्रोपोर्शन भी बहुत ही अच्छा था। मुझे बहुत पर्सनली मजा आ गया ये ट्राई करके। सेवेंथ स्पॉट है नवांग्स। लोकेशन गांधी रोड, जस्ट मैल से 5 मिनट नीचे आना होता है। ये एक छोटी सी रेस्टोरेंट है, आपको शायद आई प्लीजिंग भी ना लगे बट द फूड इज अमेजिंग। इस रेस्टोरेंट की ओनली 4 टेबल्स है बट इस जगह में आपको रीजनेबल प्राइस में ट्रेडिशनल इंडियन, बंगाली, चाइनीज, नेपाली कुजिन मिलेगी। नवांग्स की ओनर जो एक लेडी है वो बहुत ही हॉस्पिटेबल एंड वार्म है। उनसे बातें करके ये भी पता चला कि वो लोग संदकफू में ट्रैक भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, बट हम आज उनके ट्रैक नहीं फूड ट्राई करने आए हैं। यहाँ थाली, मोमो, थुक्पा एंड स्पेशली शेफाली बहुत फेमस है, बट अनफॉर्चुनेटली हम जब आए थे मोमोज एंड शेफालीज अवेलेबल नहीं थे। बट फॉर द टाइम बीइंग हमने यहाँ पे चिकन थुक्पा ऑर्डर किया है। बट आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट मच, बट ऑनेस्टली बोलूँ तो थुक्पा बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी थी। तो मैं एटलीस्ट एक बार आपको ये जगह ट्राई करने कहूँगी, जस्ट फॉर देयर गुड फूड। एट स्पॉट है मेरी फेवरेट ब्रेकफास्ट स्पॉट सोनम्स किचन, लोकेटेड एट डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, मैल से ये जस्ट 5 मिनट्स वॉकिंग में है। ये एक फैमिली ओन्ड स्मॉल रेस्टोरेंट है एंड अपने ब्रेकफास्ट के लिए मशहूर है। जैसे आप देख सकते हो ये बहुत ही छोटी सी रेस्टोरेंट है, एक गैराज स्पेस में बनाई गई है, पर इनके ओनर मिस्टर पूरन प्रधान और उनकी वाइफ मिसेस सोनम प्रधान बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हॉस्पिटेबल है। मिसेस सोनम ही किचन को मैनेज करती है एंड यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एग एंड वेज फूड ही मिलेगी। ये रहा उनका मेन्यू, काइंडली पॉज करके सही से देख लीजिएगा। इनके बहुत ही अच्छे रिव्यूज है और काफी बजट फ्रेंडली भी है। हमने पहले ऑर्डर किया उनका जिंजर हनी लेमन टी। मैं हाईली रेकमेंड करूंगी ये ठंडी के वेदर में, ये ड्रिंक आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट जिंजर हनी लेमन आई हैव ट्राइड। हमने उनके फेमस ब्रेकफास्ट हैश ब्राउन्स, फ्राइड एग्स, टोमेटो एंड चीज ऑर्डर किया है। यू कैन ऑल्सो हैव इट विथ ब्रेड। ये बहुत ही टेस्टी, यमी, फिलिंग ब्रेकफास्ट है विच आई रियली एंजॉयड। लास्ट हमने ऑर्डर किया है उनके बेस्ट ऑफ द बेस्ट पैनकेक्स। मैं सचमुच कन्फेस करती हूँ, इनके बनाना नट्स हनी पैनकेक इज द बेस्ट, बहुत ही अच्छी है। मैं बड़ा चरा के नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली में बहुत अच्छी है, बहुत ही फीलिंग है एंड टेस्टी है। नेक्स्ट स्पॉट है टिटोरिया बाई गोल्डन टिप, लोकेशन हार्ट ऑफ मेल। ये एक सेंट्रली लोकेटेड कैफे है जो दार्जिलिंग की न्यूएस्ट एडिशन है। इनके इंडोर एंड आउटडोर सिटिंग भी अवेलेबल है, सो हमने आउटडोर बैठना प्रेफर किया। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ गोल्डन टिप, इनके चाय अनडाउटेडली बहुत ही अच्छे होंगे।
यहाँ आपको फुल कंचनजंगा की व्यू मिलेगी ऑन अ क्लियर डे, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट गेट द व्यू। ये एक सुंदर सी कैफे है ऑन अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और एक क्लियर डे में व्यू के साथ चाय एंजॉय करने का मजा ही कुछ अलग होती है। ये है उनका मेन्यू, काइंडली पॉज करके सही से देख लीजिएगा। यहाँ इंडियन वेज, नॉन वेज, यूरोपियन स्टार्टर्स, सुशीज, डम्पलिंग्स, पिज्जा, पास्ता, ओरिएंटल मेन्यू, डेजर्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टी, कॉफी, बेवरेजेस इस कैफे में ऑफर होती है। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ गोल्डन टिप, हमने विदाउट गिविंग मच थॉट चाय मंगवाई, एंड ऑफ कोर्स कोई चाय में कंप्लेंट्स नहीं थी। दार्जिलिंग टी कैन नेवर गो रॉन्ग। 10th स्पॉट है ग्लेनरीज कैफे। सभी को पता है ग्लेनरीज कहाँ है, ये दार्जिलिंग की आइकॉनिक कैफे है। इवन मेरे लास्ट वीडियो में भी मैं आपको कैफे कवर करके दिखाई थी, बट इस वीडियो में मैं इसके बारे में टोटल इन डेप्थ रिव्यू दूंगी। एज मेनी ऑफ यू नो, ग्राउंड फ्लोर में ग्लेनरीज की कैफे है, बेसमेंट में ग्लेनरीज की पब जिसे बस बार कहते हैं, और फर्स्ट फ्लोर में है ग्लेनरीज की रेस्टोरेंट। ये एक लैंडमार्क है दार्जिलिंग की, जो चली आ रही है अंग्रेजों के जमाने से। इनके इन हाउस बेकरी बहुत ही फेमस है, आइटम्स की कोई कमी नहीं है जैसे आप देख सकते हैं। ब्रेड्स, कुकीज, पिकल्स, पेस्ट्रीज, क्रोसॉ, केक, चॉकलेट, ऐसे कई सारे चीजें आपको ग्लेनरीज में मिल जाएंगी। मैं जब भी आती हूँ मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ घर के लिए लेके ही जाती हूँ। ये है ग्लेनरीज की कैफे की मेन्यू, जो अपने ब्रेकफास्ट के लिए मशहूर है। काइंडली पॉज करके देख ले। हमने पहले ऑर्डर किया है गर्मा गर्म चाय, नेक्स्ट हमने ट्राई किया ग्लेनरीज की फेमस रोस्ट चिकन सैंडविच, बहुत ही टेस्टी है एंड बहुत ही फिलिंग है, कोई भी कंप्लेन नहीं है इस डिश में। नेक्स्ट हमने मंगवाया एक प्लेट फ्राइड एग्स एंड चिकन सॉसेजेस, और एक प्लेट फ्राइड एग्स एंड बेकन एंड सॉसेजेस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये डिश मुझे बहुत ही एवरेज लगी। इवन ग्लेनरीज के सॉसेजेस के साइज भी कम हो गई है, और 230 रुपए इस प्लेट के लिए मुझे अनजस्टिफाइड लगी देना। सो आप जरूर ट्राई कर सकते हो फॉर द चार्म एंड हिस्ट्री एंड ग्लेनरीज आइकॉनिक व्यू, पर शायद फूड के लिए मैं आपको कोई दूसरा जगह ट्राई करने कहूंगी रेदर देन दिस प्लेस। पर इनकी बेकरी बहुत ही अच्छी है, बट इनके रेस्टोरेंट एक्सपेंसिव है एंड लैक्स फ्लेवर। 11th स्पॉट है फिएस्टा मॉल में सेंट्री लोकेटेड ये छोटी सी रेस्टोरेंट। मेरी पहली वीडियो में मैंने इसे कवर किया था। ये सेमी सर्कुलर शेप की बनी बिल्डिंग मैल के कॉर्नर में है। लास्ट टाइम मैं इस रेस्टोरेंट में विजिट की थी, इनके फूड और एम्बियंस मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। सोचा कि इस बार का एक्सपीरियंस मैं आपसे फिर से शेयर करूं। यहाँ से आप मैल की व्यूज देख सकते एंड सारी एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट टाइम ये रेस्टोरेंट मुझे इसीलिए अच्छी लगी थी बिकॉज ऑफ द सिंपल इंटीरियर एंड लाइवली वाइब। शाम के वक्त यहाँ पे लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस भी होती है, बट दिस टाइम मुझे कुछ अलग नोटिस हुई, लाइक लैक ऑफ क्राउड। इवन यहाँ की सर्विस बुरी हो गई है, कोई अटेंड करने के लिए ही नहीं आता है। मेन्यू कार्ड पहुँचते पहुँचते 20 मिनट लग जाते हैं। ये रहा मेन्यू, काइंडली पॉज करके देख लीजिएगा।
यहाँ चाइनीज, टिबेटियन, साउथ इंडियन एंड स्नैक्स भी मिलती है। पर सर्विस का जो हाल है वो सोचकर मैं ऑप्ट की द बेसिक, जो लास्ट टाइम मैंने यहाँ से ऑर्डर किया था। इनके मोमोज बहुत ही अच्छे हैं, सो मैं पहले चाय ऑर्डर की और मोमोज। बट चाय एकदम ही अच्छी नहीं थी, बिकॉज दे हैव केप्ट द टी फॉर सो लॉन्ग इन द बॉइलिंग वाटर। इसी वजह से चाय कड़वी हो गई थी, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि एक ब्लैक टी बनाने में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं देनी पड़ती है। नेक्स्ट और हाफ एन आवर वेट करने के बाद हमें अपनी चिकन मोमो मिली। एंड ट्रस्ट मी गाइज, लास्ट टाइम जो मैंने मोमो ट्राई किया था और अभी जो मैं मोमो ट्राई कर रही हूँ, इसमें हेल एंड हेवन डिफरेंस है। वर्स्ट फूड एक्सपीरियंस मेरी दार्जिलिंग की अब तक। टेस्टलेस और ठंडी मोमो, इससे बदतर और क्या हो सकती है। सो मैं आपको कहूँगी आप फिएस्टा को अवॉइड करें, बिकॉज ऑफ द बैड सर्विस, रूड स्टाफ एंड पुअर क्वालिटी ऑफ फूड। 12th स्पॉट है द वेरी फेमस एंड आइकॉनिक केवेंटर्स। लोकेशन बिगिनिंग ऑफ नेहरू रोड। दार्जिलिंग जब कोई भी आते हैं, सो हैविंग अ ब्रेकफास्ट इज अ मस्ट इन केवेंटर्स। फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 1911 बाई एडवर्ड केवेंटर्स, ये 112 साल पुरानी रेस्टोरेंट मशहूर है अपने ब्रेकफास्ट के लिए। नीचे उनके शॉप है जहाँ से यू कैन बाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट मेड बाई देम। लास्ट टाइम भी मैंने अपने वीडियो में केवेंटर्स कवर किया था, बट मेरी लास्ट एक्सपीरियंस अच्छी नहीं थी। फिर भी मैं आज आई हूँ विद ऑप्टिमिस्टिक होप, वेदर इनके क्वालिटी बेहतर हुए या नहीं। फ्रॉम 100 ईयर्स केवेंटर्स इज़ अ फेवरेट प्लेस फॉर मेनी सेलिब्रिटीज, नॉवलिस्ट, राइटर्स, डायरेक्टर्स, फ्रॉम सत्यजीत रे टू अनुराग बासु। और इनके आउटडोर सिटिंग टेबल मिल पाना इज अ टास्क, जहाँ से आप कंचनजंगा की व्यू भी देख सकते हैं। ये है इनके इंडोर सिटिंग सेटअप। चलिए मैं आपको इनका नया सिटिंग एरिया दिखाती हूँ, जो इक्वली फेमस हो गई है इन द रीसेंट टाइम। ये एक नई एडिशन है केवेंटर्स की, बहुत ही सुंदर सिटिंग एरिया है। यहाँ से भी आप कंचनजंगा की व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये रहा मेन्यू। हमने ऑर्डर किया है दार्जिलिंग टी, हॉट चॉकलेट जो लास्ट टाइम भी मैं की थी ऑर्डर, और इस बार ये कई ज़्यादा अच्छी बनी है। एग सैंडविच जो अच्छी थी, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। एंड लास्टली उनका फेमस ब्रेकफास्ट प्लेटर। अनडाउटेडली इनके फूड क्वालिटीज बेटर हुए हैं मेरे लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस से। इवन 30 मिनट के जगह अभी 15 मिनट के अंदर खाना पहुंच जाती है टेबल में, सो सर्विस भी थोड़ा बहुत बेटर हुई है। सो क्या मैं आपको केवेंटर्स रेकमेंड करूंगी? मे बी यस, फॉर देयर इम्प्रूवमेंट एंड एक वन टाइम नॉस्टैल्जिया एंड आइकॉनिक डेस्टिनेशन के लिए आप एक बार तो आ ही सकते हैं। 13th स्पॉट है आइकॉनिक ग्लेनरीज रेस्टोरेंट। मैंने इसी फूड टूर में जैसे कहा आपको कि इनके तीन सेक्शंस हैं, बेकरी, पब एंड रेस्टोरेंट। सो मैं अभी फिलहाल रेस्टोरेंट में हूँ और ये कवर कर रही हूँ। बहुत ही क्लासी इंटीरियर है, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी ग्लेनरीज रेस्टोरेंट को दिखाया था। ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा से चली आ रही है। लुक्स, इंटीरियर सभी ऑन पॉइंट है। इवन ये जगह हमेशा टूरिस्ट से भरी रहती है, बट मेरे लास्ट एक्सपीरियंस जो मैं शेयर की थी मेरे पहले वीडियो में, वो अच्छा नहीं था। स्टिल आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड ओपन अबाउट माई एक्सपीरियंस। चलिए देखते हैं। ये है उनका मेन्यू। प्राइस जैसे आप देख सकते हैं, इट्स ऑन हायर साइड इन कंपैरिजन टू अदर रेस्टोरेंट्स इन दार्जिलिंग। काइंडली पॉज करके सही से देख लीजिएगा। ग्लेनरीज अपने कॉन्टिनेंटल एंड चाइनीज के लिए फेमस है। बट मेरे लास्ट टाइम की वर्स्ट कॉन्टिनेंटल एक्सपीरियंस को ध्यान रखते हुए मैंने इस बार सेफ ऑर्डर किया, वो है चाइनीज, बिकॉज चाइनीज कुजीन कैन नेवर गो रॉन्ग। सो मैंने ऑल द बेसिक चाइनीज फूड ऑर्डर किया है, लाइक एग चिकन फ्राइड राइस, एग चिकन चाउमिन एंड चिली चिकन।
बट ग्लेनरीज मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करती है। एज यूजुअल खाना बकवास है। फ्राइड राइस और चाउमीन के जो चिकन थे वो बहुत ही ड्राई और हार्ड थे, और चिली चिकन मोर टेस्टेड लाइक स्वीट एंड सावर चिकन। इवन यहाँ के वेटर्स आपको खाना सर्व नहीं करके देंगे एंड विल थ्रो यू सम रूड एटीट्यूड। लास्ट एंड फाइनल फूड ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो दार्जिलिंग में इज द स्ट्रीट फूड। मैल एरिया के हर एक जगह में आपको ऐसे वेंडर्स मिल जाएंगे जो तरह तरह के यमी स्ट्रीट फूड ऑप्शन सेल कर रहे हैं। ये एक क्विक फूड ऑप्शंस है, ऑन द गो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, लाइक मोमोज, फ्राइड चिकन रोल, शेफाली एक्सेट्रा। प्लस ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी है। मैं तो जम के स्ट्रीट फूड का मजा ली हूँ, आप भी लीजिएगा। आई होप आपको ये फूड टूर अच्छी लगी होगी, और ये जो मैंने कुछ लिस्ट यहाँ पे चॉक आउट किया है, ये कुछ जगह बहुत ही ऑफ बीट है। ये नॉर्मली टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते हैं, कुछ जगह पे लोकल ज़्यादा विजिट करते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप भी जाके यहाँ पे एक्सपीरियंस कीजिए और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए, मेरे लिए वो काफ़ी मोटिवेटिंग होती है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हो आपको तो पता है आपको क्या करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और फूड टूर लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।